चलिए जान लेते हैं आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। यूपी के सभी 75 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें चुन चुन कर लाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें और खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश के महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी में योगी सरकार, हर जिले में 7 कर्मियों की होगी भर्ती। दरअसल यूपी के महिलाओं को लेकर योगी सरकार नई योजना बना रही है। योगी सरकार अब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। अब प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली है। इसके तहत प्रभावी रूप से करने के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर 7 कर्मियों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे आगामी 1 महीने में पूरा कर लेने का लक्ष्य है। यूपी सिपाही भर्ती, सीएम योगी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी बधाई, बोले शुचिता एवं पारदर्शिता से हुई पूरी परीक्षा। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने एक पर एक बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। आप सभी परीक्षा के आगामी चरणों की तैयारी पूर्ण तत्परता के साथ करेंगे, इस विश्वास के साथ मेरी मंगल कामनाएं। वैसे आपका निकला या नहीं, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राशन ले रहे 80,000 आयकर दाता, अब ऐसे कार्ड धारकों के खिलाफ चलेगी प्रशासन की कैंची। जी हां, आयकर दाता होने के बावजूद भी राशन ले रहे पूर्वांचल में 80,806 राशन कार्ड धारकों पर कैंची चलेगी। 159,295 कार्ड धारकों के सत्यापन के बाद अब सभी का कार्ड निरस्त कर दिया गया है। आजमगढ़ में सबसे अधिक अपात्र कार्ड धारक मिले हैं, यहाँ 19,791 कार्ड धारक राशन ले रहे थे। दूसरे स्थान पे 9,659 कार्ड धारकों के साथ वाराणसी, जबकि 9,476 कार्ड धारकों के साथ गाजीपुर तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा विधवा पेंशन के लाभार्थी जो अब नहीं रहे, उनके 14,082 व 2 एकड़ से अधिक भूमि वाले 9,425 राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। यूपी में इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, पदोन्नति में दूर हुई बाधाएं, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। दरअसल बता दी कि यूपी सरकार ने दिव्यांग जनों के पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी है। कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया कि समूह ग से समूह ग और समूह ख से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जा सकती है। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागों को निर्देश भेज दिया। केंद्र सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की सुविधा दे रखी है। इसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है। यूपी के इस जिले में 531 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की होगी भर्ती, अभी अभी विज्ञापन हो गया जारी। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की अति शीघ्र भर्ती करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कुल 531 कार्यकर्त्रियों की भर्ती होगी, इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। कमिश्नर ने सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को विकास की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने महिला कल्याण विभाग योजना की समीक्षा की, कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत सामान्य जनता को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करें। बैठक के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी रोडवेज के 4 और डिपो निजी कंपनियों के हवाले, मेरठ से लेकर कानपुर तक में बड़ा बदलाव। दरअसल यूपी परिवहन निगम ने प्रदेश के 4 और डिपो को निजी हाथों के हवाले कर दिया। इनमें मेरठ क्षेत्र का सोहराब गेट डिपो, सहारनपुर क्षेत्र का छुटमलपुर डिपो, अलीगढ़ क्षेत्र का एटा डिपो और कानपुर क्षेत्र का विकास नगर डिपो शामिल है। अब प्रदेश के 19 डिपो का काम प्राइवेट कंपनियां संभालेंगी। नोएडा डिपो पहले ही प्राइवेट फर्म को सौंप दिया गया था, लिहाजा अब यूपी के सभी 20 रीजन में एक एक डिपो का काम आउटसोर्स कंपनियों के जिम्मे हो गया है। परिवहन निगम अधिकारियों के मुताबिक सोहराब गेट डिपो को प्रति किलोमीटर 5.07 रुपए, छुटमलपुर डिपो को प्रति किलोमीटर 4.96 रुपए, एटा डिपो को प्रति किलोमीटर 4.59 रुपए की दर से मेसर्स टीकेजी ऑटोमोबाइल्स आगरा ने ठेके पर लिया है। 10 साबरमती रिपोर्ट, यूपी में टैक्स फ्री, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, देखी फिल्म बताया क्यों लिया फैसला। जी हां, आपको बताने की गोधरा कांड पर बनी फिल्म 10 साबरमती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ लखनऊ के प्लासियो मॉल में फिल्म देखी और टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। यानी योगी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी जाकर देखिए। सीएम योगी ने कहा कि हर भारतीय को यह फिल्म देखनी चाहिए और देश व समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे लोगों को एक्सपोज
यानी उसका पर्दाफाश करना चाहिए, उस सच्चाई के पास जाने का प्रयास करना चाहिए जो लोगों ने दबा दिया या उसके खिलाफ झूठ फैला दिया है, उल्टा कर दिया। तो आप लोग जाकर फिल्म देखेंगे या नहीं, कमेंट जरूर करें। मॉडर्न होंगे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों जैसे होंगे क्लास, बच्चों को मिल सकेंगी अलमारियां। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश की स्कूली शिक्षा में चल रही कायाकल्प की कवायद के तहत अगले 5 साल में 65,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके तहत विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण भी देने का प्रयास किया जाएगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 1,32,000 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आधे विद्यालयों को सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आधुनिक लाइब्रेरी, किचन कैंटीन के साथ ही साफ शौचालय व पेयजल आदि की सुविधा, स्मार्ट क्लास, अलमारी, आवश्यक कमरे आदि दिए जाएंगे। यूपी के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, भीड़ के चलते गोरखधाम समेत 19 ट्रेनों में बढ़ेंगी जनरल बोगियां। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेल यात्रियों को रेलवे बड़ी राहत देने जा रहा है। 2 साल पहले जनरल बोगियों को कम करने के बाद अब रेलवे बोर्ड ने इनकी संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में NER के गोरखधाम समेत 19 ट्रेनों में जनरल कोच लगाए जाएंगे। अभी लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में महज 2 जनरल कोच चल रहे हैं। बदली व्यवस्था के अनुसार आगामी दिनों में 4 कोच यानी डबल हो जाएंगे। दरअसल भीड़ भाड़ और त्योहारी दिनों में ट्रेनों में भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है, सैकड़ों लोगों को आरक्षित कोच में सीट नहीं मिल पाती। ऐसे यात्री जनरल कोच की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफी गर्दी होती है। यूपी में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक आउटसोर्स से भर्ती, अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर भड़क उठे। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक के पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यह विज्ञापन भी कहीं और नहीं सीएम योगी के जिले गोरखपुर में निकला है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर ने भी इसे पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बेहतर होगा कि भाजपा पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे, तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाए। ऐसा करने से भाजपा को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम तो हमेशा से कहते रहे, आज फिर दोहरा रहे, नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। क्या आप अखिलेश की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। यूपी में 25 नवंबर को बंद रहेंगी गोश्त की दुकानें और पशु वधशालाएं। जानिए क्या है बड़ी वजह। दरअसल आपको बताने की उत्तर प्रदेश में महावीर जयंती, भगवान बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, महाशिवरात्रि और साधु TL वासवानी के जन्मदिन पर पशु वधशालाएं और गोश्त की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में शासन ने निर्देश जारी कर दिए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण शर्मा ने सादाबाद नगर पंचायत को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया गया है, इसलिए प्रदेश की समस्त नगर स्थानीय निकायों में स्थित पशु वधशालाएं व गोश्त की दुकानें बंद रखी जाएंगी। यूपी में इन लोगों को हर महीने 1,000 रूपए देगी सरकार, सीधे खाते में जाएंगे पैसे, ये दस्तावेज होंगे जरूरी। दरअसल TB के मरीजों को बेहतर दवा और खान पान मिले और जल्द से जल्द TB से मरीजों को मुक्ति मिले, इसके लिए केंद्र और यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए 500 रूपए मिलते थे, अब वह 500 रूपए बढ़ाकर 1,000 रूपए कर दिए गए हैं। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। जनपद में TB के मरीजों को केंद्र और यूपी सरकार ने राहत भरी खबर दी है। मरीज अगर TB ग्रस्त हो गए और दवा किसी भी सरकारी अस्पताल से पंजीकृत होकर लेते हैं, तो उनको सरकार की ओर से पौष्टिक आहार लेने के लिए 2 गुना राशि दी जाएगी। अब तक मरीज को प्रत्येक महीने मात्र 500 रूपए दिए जाते थे, लेकिन अब मरीजों को 1,000 रूपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली के गांव में चकबंदी को लेकर आ गई बड़ी खबर, DM ने जारी कर दिए यह आदेश। दरअसल DM रविंद्र कुमार ने चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा विकास भवन स्थित सभागार में की। इसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन 80 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, उसको समय सीमा के अंतर्गत सम्पन्न कराया जाए। ADM सिटी को निर्देश दिए गए कि जिन लेखपालों का प्रमोशन हुआ है, उन्हें गांव में भेजा जाए और जिन गांव में लेखपाल नहीं है, उन गांव में साफ सुथरी छवि वाले लेखपाल लगाए जाए। एक गांव में कम से कम एक लेखपाल अवश्य लगाए जाए, जिससे चकबंदी के कार्यों में गति आ सके। इस दौरान अपर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए होगी सहूलियत, बस अड्डों पर तैनात होंगे 10 से ज्यादा कूली। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए परिवहन निगम के बस अड्डों पर कूलियों को तैनात किया जाएगा। रेलवे की तर्ज पर प्रयागराज के सभी बस अड्डों पर एक कूली तैनात रहेंगे, जो यात्रियों के सामान को उठाने के साथ ही उनकी मदद भी करेंगे। वहीं 7,000 बसों में से 2,957 बसें ऐसी हैं
जिनका रंग दूसरा है। इनका रंग रोगन कर नारंगी किया जाएगा। परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रयागराज रीजन को पुलिस तैनात करने के आदेश दिए गए थे। अब इसकी योजना भी तैयार कर ली गई है। हर बस अड्डे पर 10 से ज्यादा कुलियों को तैनात किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षित आगमन कराने में मदद करने की होगी। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल नपेंगे कई अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने लिखा पत्र। दरअसल बता दें कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर लोक निर्माण विभाग ने आरोपी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हरदोई में घटिया सड़कों के निर्माण के मामले में करीब आधा दर्जन अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई तय मानी जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव चौहान सलाहकार व विभाग अध्यक्ष के साथ हरदोई में बनी सड़कों की जांच की थी। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दिखाया दम, उड़ा रही ड्रोन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब महिलाएं ड्रोन दीदी बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ड्रोन से खेतों में उर्वरक का छिड़काव कर रही हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। उन्हें पहले कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया गया था और बाद में प्रख्यात उर्वरक कंपनी इफको ने प्रयागराज में बुलाकर ड्रोन कैमरा प्रदान किया था। अपने गाँव और क्षेत्र के किसानों के खेतों में ड्रोन कैमरे से उर्वरक का छिड़काव महिलाएं कर रही हैं। ड्रोन पायलट बनकर महीने के औसतन 40,000 रुपए की कमाई कर रही है। तो आप लोग भी इसमें ट्रेनिंग में आवेदन करेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको ड्रोन खरीदने में काफी भारी सब्सिडी मिलेगी। यूपी के गोरखपुर में 25 या 26 नवंबर को हो सकता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 25 या 26 नवंबर को हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं दो दिन में किसी दिन उपस्थिति के लिए समय दे सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर विभाग की ओर से तैयारी तेज हो गई है। आयोजन स्थल पर अभी अंतिम मुहर नहीं लग सकती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन इस वित्तीय वर्ष में पहली बार होने जा रहा है। 3,000 से अधिक युवतियों ने सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। यूपी से इस शहर में 11 बजे तक रहेगी नो एंट्री। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन होंगे सीज। यातायात पुलिस हुई सख्त। जी हां, आपको बता दें कि शहर में शादियों कारण बढ़ते यातायात दबाव व भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने नो एंट्री के समय में परिवर्तन किया है। मेरठ में भारी वाहन अब रात 10 बजे नहीं 11 बजे के बाद के प्रवेश कर पाएंगे। यातायात पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। शहर में फिलहाल नो एंट्री का समय रात 10 बजे से है। इससे पहले भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है। यातायात पुलिस ने नो एंट्री के समय को 1 घंटा और बढ़ा दिया। संबल मस्जिद विवाद पर यति नरसिम्हानंद का चैलेंज, कहा अगर अरब की मस्जिदों का सर्वे हो जाए तो उसके नीचे भी मठ और मंदिर निकलेंगे। जी हां, आपको बताने की संबल में साई जामा मस्जिद के सर्वे पर शिव शक्ति धाम डासना से यति नरसिम्हानंद गिरे ने बड़ा बयान जारी किया। 2 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा अगर अरब की मस्जिदों का सर्वे हो जाए तो इस्लाम का काला सच सामने आ जाएगा। उनके नीचे से भी मंदिर मठ ही निकलेंगे। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर भी निशाना साधा। यति नरसिम्हानंद ने कहा संबल में हरिनाथ मंदिर का विवाद जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना ली थी, आज यह विवाद उभर कर सामने आ गया। कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे करने का आदेश जारी किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। अब जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मंदी ने बयान दिया कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश का गंभीर नुकसान होगा। इस पर उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी डकैतों के गैंग को रिप्रेजेंट करता है जिनका काम है हम हिंदुओं को मारना, हमें लूटना। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से इतिहास का पता चलेगा। वैसे आपको किसकी बात सही लगती है आज जरूर कमेंट करके बताइए। यूपी के एलडीए में नामांतरण और रजिस्ट्री की आई शिकायत। लखनऊ में भू माफिया ने 21 साल पहले अलॉट जमीन पर किया कब्जा, अब लगा रहे चक्कर। जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जनता अदालत का आयोजन किया गया। नामांतरण यानी दाखिल खारिज रजिस्ट्री, फ्री होल्ड और अवैध निर्माण सहित कुल 41 शिकायत आई। इनमें से 13 शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं अन्य शिकायतों को कुछ दिनों में निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया है। ऐशबाग योजना के रामनगर में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में भूखंड आवंटित किए गए थे जिसमें कई घरों पर भू माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है। यूपी के किसानों का टूटा धैर्य, समिति का ताला तोड़कर लूट ले गए खाद की बोरियां। झांसी मिर्जापुर हाईवे किया जाम। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के महोबा में खाद के लिए कई दिनों से समितियों का चक्कर लगा रहे किसानों का धैर्य टूट गया। खाद की रैक पहुंचने की सूचना पर समितियों में पहुंचे हजारों किसान आपा खो बैठे। एक समिति में किसानों ने खाद लूट ली,
जबकि एक जगह कर्मचारी न पहुंचने पर हाईवे जाम कर दिया। वहीं एक अन्य समिति में किसानों में आपस में ही लाठियां चल गई। बड़ी हाट में संचालित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति में मौजूद किसान कर्मचारियों के न पहुंचने पर धैर्य खो बैठे और समिति का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 60 बोरी खाद लूट ले गए। यूपी में सपा की मांग, मीरापुर, कुंदर की सीसम और कटहरी में पैरा मिलिट्री फोर्स लगाकर दोबारा हो चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी मांग कर ली गई है। लग रहा है कि सपा सच में हारने जा रही है क्योंकि इनको पूरा अंदेशा हो गया है। हां, धांधली भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 सीटों में संपन्न उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मीरापुर, कुंदर की सीसम और कटहरी में दोबारा मतदान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव किया जाए क्योंकि यहाँ पर लोगों को भगा दिया गया था। जो भी बुरके में आ रहे थे उन सभी लोगों को और दाढ़ी वालों को भगा दिया जा रहा था और कई जगहों पर बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका जा रहा था। क्या ये बात सही है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। समस्याओं के समाधान के लिए हर शनिवार होगा ऑनलाइन वेबिनार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुरू की पहल, 23 को होगी पहली ऑनलाइन बैठक। जी हां, कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हर शनिवार वेबिनार करने जा रहा है। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पे छोटे बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं, पर कई बार कुछ समस्याएं विशेषकर परिलब्धियों का समय पे न मिलना, ज्येष्ठता निर्धारण, पदोन्नति, वित्तीय लाभ का समय पे न मिलने समस्याएं लंबित रहती हैं। इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने और समाधान पाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। वारंट जारी होते ही कोर्ट में पेश हुए बाहुबली धनंजय सिंह, पुलिस को कूटने का लगा है आरोप। दरअसल आपको बताने की पुलिस कर्मियों को बुरी तरह से मारने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह और एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू वारंट जारी होते ही कोर्ट में पेश हो गए। धनंजय व अन्य पर खुटहन में 7 साल पहले ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पुलिस कर्मियों को बुरी तरह मारने, तोड़फोड़ और आग लगाने का आरोप है। दोनों कोर्ट में हाजिर हुए, प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। न्यायालय के समक्ष हाजिर है। वारंट रिकॉल करने के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज ने 20,000 रुपए के व्यक्तिगत बंधन पत्र पर आरोपियों का वारंट निरस्त किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार छोटे विमानों से यात्रा कर सकेंगे पर्यटक, मिलेंगी 8 सीटर विमान की सुविधा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को पहली बार 8 सीटर छोटे विमानों से पर्यटन स्थलों की यात्रा का सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए 25 नवंबर से सुविधा शुरू करने की तैयारी युद्ध स्तर पे की जा रही है। इसे लेकर जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पर्यटन विभाग के बीच करार हो गया है। लखनऊ से दुधवा के बीच 226 किलोमीटर की हवाई यात्रा के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। अखिलेश यादव बोले, यूपी से कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे अफसर, कुछ अधिकारी यहां पकड़े गए थे, कपड़ों से कोई योगी नहीं हो जाता। दरअसल यूपी में कई अफसर लूट में लगे हैं, कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसलिए लाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश को लूट कर वापस चले जाएं। राजस्थान के भी कई अधिकारी हैं। सुनने में आ रहा है कि यूपी से कमाकर राजस्थान में निवेश कर रहे हैं। सोचिए, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। यह बात यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयपुर में कही। बीएचयू ने जारी किया 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन। 21 दिसंबर तक होगा एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फीस 300 से 600 रुपए तक। दरअसल बीएचयू के बहुप्रतीक्षित पीजी डिप्लोमा और स्पेशल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्र 2024 से 25 के लिए 56 स्पेशल कोर्स का एक ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया गया है। 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन अपने वेबसाइट bhuonline.in पे जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। यूपी में महिलाओं से बैड टच पर सख्त हुआ महिला आयोग। सभी डीएम से बुटीक, जिम और योगा सेंटर की मांग ली रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में महिला आयोग ने सभी जिलों के डीएम को बुटीक, जिम, योगा सेंटर व अन्य महिला संस्थानों की जानकारी मांगी। आयोग ने 28 अक्टूबर को ही बुटीक, जिम व विशेषकर महिलाओं से जुड़े अन्य संस्थानों में ट्रेनर, दर्जी व अन्य कर्मचारी महिलाओं को ही रखने का निर्देश दिया था। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुदृढ़ करने और उनके खिलाफ हुई घटना को समाप्त करने के लिए पहल की गई है। इससे महिलाओं को नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पुलिस कर्मियों को बिना मतलब दौड़ाने और भ्रष्टाचार में लिप्त बाबू जाएंगे जेल, हर माह मांगा जाएगा फीडबैक। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि अनावश्यक पुलिस कर्मियों को परेशान और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बाबुओं को जेल भेजा जाएगा। पुलिस कर्मियों को अपने कार्य जैसे टीए भुगतान, मेडिकल बिल आदि के भुगतान के लिए पुलिस कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़े। इस कारण प्रत्येक माह सैनिक सम्मेलन होगा जिसमें पुलिस कर्मियों से लिपिकों का फीडबैक मांगा जाएगा। दोस्तों, आम जनता को जो लूटा जा रहा है उस पर कब लगाम लगेगी, कमेंट।
उत्तर प्रदेश में सुबह शाम घने कोहरे का अलर्ट, पछुआ ने पकड़ा जोर, बढ़ेगी ठंड। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में अब लगातार ठंड बढ़ने वाली है। मौसम में बदलाव पछुआ के जोर पकड़ने से आया है। उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही हवा बेहद सर्द है, जो पारा गिरा रही है। दिन में आसमान में छाई धुंध की वजह से धूप ने धरती की सतह को गर्म नहीं होने दिया। नतीजन अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में लगातार अब गिरावट जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यूपी के रोज के ऐसी ताज़ा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।